Hello students, in the last lecture we discussed electrical properties of colloidal solution. First property हमने discuss की थी stability of colloidal solution. और stability of colloidal solution में हमने पढ़ा था कि colloidal solutions easily settle नहीं होती. Why? Because the colloidal particles they adsorb a particular charge on their surface और इस charge की वजह से particles एक दूसरे को repel करते हैं. आज हम पढ़ते हैं second property. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो आइए समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो देखो बच्चों, हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है. सपोज ये बीकर है, इसके अंदर हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल किया हुआ है. इस बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड जो है वो आप सेट कीजिए और इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी के साथ. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. तो यहां पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सपोज इस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल क्योंकि इसकी सर्फेस पे पॉजिटिव चार्ज था, ये अट्रैक्ट होगा इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और मूव करना स्टार्ट करेगा इसकी तरफ. तो इस मूवमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो डेफिनेशन क्या हो जाती है यहां पर? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrophoresis. तो इस movement को बोला जाता है electrophoresis. जब ये collider particle इस electrode की surface पे पहुंच जाते हैं तो electrode पे कौन सा charge है? Negative charge. और collider particle पे कौन सा charge है? Positive charge. तो क्या होगा बच्चों इसकी surface पे? ये negative charge इस positive charge को neutralize कर देगा. तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इसी इलेक्ट्रोड पे सेटल हो जाएगा, यहीं पर कोएगुलेट हो जाएगा. तो धीरे धीरे इस प्लेट के ऊपर जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन की वजह से और इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस बढ़ जाएगी. तो ये पॉइंट हम यहां पर नोट कर लेते हैं. द कोलाइडल पार्टिकल्स व्हेन reach on the surface of electrode they get neutralized. और इस चीज से हमें क्या पता चलता है? इस चीज से हमें यह पता चलता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था. अगर मान लो आप कोई ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो जिसमें कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये कहां पर एक्युमुलेट होगा? किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? तो भाई ऐसे केस में ये जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और यहां पर जाके न्यूट्रलाइज होगा. तो इस केस में थिकनेस जो है वो यहां पर बढ़ जाएगी, कोलाइडल पार्टिकल्स यहां जमा हो जाएंगे. तो हम इस एक्टिविटी का यूज कर ये पता लगा सकते हैं कि जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाई है उसके कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है. तो यहां पर लिख लेते हैं इस पॉइंट को. दिस एक्टिविटी या दिस प्रॉपर्टी इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल. दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड to determine charge on colloidal particle. तो ये हो गया बच्चों electrophoresis. अब चलते हैं next property. ये भी electrical property के अंदर ही आती है. next property है electroosmosis. electroosmosis ऑस्मोसिस प्रोसेस बच्चों हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर. क्या होता है ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस में
जब हम दो सॉल्यूशंस को सेपरेट कर देते हैं बाय यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्वेंट के फ्लो को क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट डू नॉट अलाउ कोलाइडर पार्टिकल्स टू पास थ्रू, बट इट अलाउ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। तो अब हम यहां पर जो प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं, हम इसमें इसी चीज का यूज करेंगे। देखो कैसे स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है इस तरीके से। तो यहां पर बीच में एक वॉल लगा रखी है, ये सेपरेशन है जो इसको तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। यहां पर हमने लगा रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में दो वॉल लगाई है ये किसकी बनी है? इट इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में हमने भर रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, अभी आपको मैंने एक बात बताई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ये कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने थ्रू मूव नहीं होने देता। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखना इस बात को, डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, इस वजह से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास नहीं हो सकते। ये जो दो कंपार्टमेंट है इसके अंदर हमने भर रखा है डिस्पर्शन मीडियम। तो जो भी हमारा सॉल्वेंट था जिसको हमने यूज किया था ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते टाइम, वो ही सॉल्वेंट यहां पर फिल कर दो बाकी इन दोनों कंपार्टमेंट्स में। तो यहां पे डिस्पर्शन मीडियम है और इधर भी डिस्पर्शन मीडियम है। यहां हम लगा देते हैं एक इलेक्ट्रोड, इधर भी एक इलेक्ट्रोड जो है वो लगा देते हैं। इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है ये नेगेटिवली चार्ज रहेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको ऑन कर दो। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो कोलाइडर पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्शन फील करेंगे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ, लेकिन इनका मूवमेंट कौन रोक देता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको इस कंपार्टमेंट से निकलने नहीं देगा। तो अब देखो अब क्या होगा, कोलाइडर पार्टिकल तो मूव नहीं कर सकता लेकिन डिस्पर्शन मीडियम जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सो यहां पर डेफिनेशन जो है वो क्या बन जाएगी, इट इज द प्रोसेस इन विच डिस्पर्शन मीडियम या मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम move across semi-permeable membrane under influence of electric field when movement of collider particle is not allowed. Movement of collider particle is not allowed. तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये हो जाती है बच्चों डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन, कोएगुलेशन या फिर फ्लॉक्यूलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम कोलाइडर पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट करने वाले हैं या फिर कह सकते हो उसको कोएगुलेट करने वाले हैं, और इसी कोएगुलेशन का दूसरा नाम होता है फ्लॉक्यूलेशन। तो देखो कोलाइडर पार्टिकल्स जो है उसको आप किस तरीके से प्रेसिपिटेट कर सकते हो। प्रेसिपिटेट करने का मतलब है किसी चीज को आपस में एग्रीगेट कर देना और एग्रीगेट करके उसको नीचे सेटल करा देना। अगर मुझे कोलाइडर पार्टिकल को एग्रीगेट करना है, उनको पास लेके आना है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी सरफेस पे, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया जाए। अगर इस चार्ज को हम खत्म कर पाते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं चार्ज न्यूट्रलाइज होने के बाद में एग्रीगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें प्रेसिपिटेशन कराना है, तो इसके लिए हमें ये चार्ज खत्म करना पड़ेगा कोलाइडर पार्टिकल्स का। और चार्ज खत्म करने के क्या तरीके हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर इसके ऊपर है तो भाई इस सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सॉल्ट्स। सॉल्ट के अंदर क्या होता है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है। तो जब एनायन इस कोलाइडर पार्टिकल के पास आएगा तो वो क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये कोलाइडर पार्टिकल जो है इसकी सराउंडिंग में अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आ जाए तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो सकता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में ये इजीली कोएगुलेट हो सकता है या प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। तो आइए अब यहां पर लिखते हैं, कोलाइडर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलर चार्ज ऑन देयर सरफेस ड्यू टू विच these colloidal particles repel each other and form solution. Solution कह लो या सोल कह लो, full stop. If the charge on colloidal particle is neutralized, then these colloids settle down and form precipitate. So this process is called precipitation. कैसे करेंगे प्रेसिपिटेशन, अब ये लिखते हैं प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल वी एड इलेक्ट्रोलाइट टू द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं
दीज आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन. तो सपोज कैटायन ए प्लस और एनायन जो है वो बी माइनस है, ठीक है. सो व्हेन ओपोजिटली चार्ज्ड आयन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोलाइडल पार्टिकल इट न्यूट्रलाइज द चार्ज एंड हेंस कॉज कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन. तो ये हो गया प्रोसेस जिससे आप कोलाइडल पार्टिकल जो है उसके चार्ज को खत्म कर सकते हैं बाय एडिंग अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट टू इट. इलेक्ट्रोलाइट से जो ओपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट ओरिजिनेट होंगे वो ओपोजिटली चार्ज आयंस जो है वो कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे. अब यहां पर देखो एक डेफिनेशन आती है, कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट हमें डालना है प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन कराने के लिए, ठीक है. आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसकी प्रेसिपिटेशन करानी है. तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके अंदर जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो ही आपका कोएगुलेशन होगा. तो कम से कम कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए ताकि हमारा पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो इजीली प्रेसिपिटेट बनके नीचे सेटल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू. यहां पर मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये रहेगा मिलीवोल्स में, दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter of the colloidal solution to cause coagulation is called its coagulation value. तो coagulation value किसको बोला? ये आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपको इस कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रोलाइट आप डालोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट मिनिमम कितना डाला जाए कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो कोएगुलेट हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू. और इस इलेक्ट्रोलाइट में से जो भी आयन ये न्यूट्रलाइजेशन करवाएगा उस आयन को बोला जाएगा कोएगुलेटिंग आयन. यहां पर ये चीज भी नोट कर लीजिए, द आयन व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल is called coagulating ion या फिर flocculating ion, flocculating ion. तो ये हो जाती है definition coagulating ion की या फिर flocculating ion की. जो भी ion जिसकी वजह से neutralization हो रहा है. अब आते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे. जो एक्सपेरिमेंट किया गया था 2 साइंटिस्ट के द्वारा इसी के ऊपर बेस्ड, तो 2 साइंटिस्ट आए, हार्डी एंड स्क्लूज, SCHLUZ. इन्होंने एक कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन है ये, इसको 3 बीकर्स के अंदर डिवाइड कर दिया,
अब इन तीनों बीकर में इन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे वो डाले। तो सपोज यहां पर ऐड किया NaCl, सोडियम क्लोराइड जो था वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया इन्होंने इस बीकर के अंदर। दूसरे बीकर के अंदर इन्होंने डाला Na2SO4। तीसरे बीकर के अंदर इन्होंने डाला Na3PO4। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जब इस बीकर के अंदर डाला, तो सपोज इसका जो है वो 10 ग्राम मिनिमम अमाउंट लगता है इस सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए। तो ये क्या हो गई, ये हमारी कोएगुलेशन वैल्यू हो गई इस इलेक्ट्रोलाइट की। तो 10 ग्राम में मिलीमोल्स निकाल लो आप, कितने भी मिलीमोल्स होंगे वो इसकी कोएगुलेशन वैल्यू हो गई। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि सोडियम सल्फेट जो है वो इससे कम अमाउंट में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो गया, ये हमें इतना ज्यादा नहीं डालना पड़ा, और इसका अमाउंट और भी डिक्रीज हो गया। तो इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है फॉर द सेम कोलाइडल सॉल्यूशन। वही कोलाइडल सॉल्यूशन थी, उसको हमने तीन बीकर्स में डिवाइड किया था, हमने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अलग अलग डाला है, और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट जब हम डाल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था हमने उससे कम इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज करना पड़ता है जब हम सोडियम सल्फेट लेते हैं तब, और उससे भी कम इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐड करना पड़ता है जब हम सोडियम फॉस्फेट लेते हैं तब। तो ये वैल्यूज जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखी है यहां पर आपको समझाने के लिए। अब आप कंसेप्ट समझो, यहां पर जब हम NaCl ऐड करते हैं तो NaCl कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस Cl माइनस। ये कोलाइडल पार्टिकल जो है इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये वाला आयन जो है ये हमारा कोएगुलेटिंग आयन रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही न्यूट्रलाइज कर सकता है इस कोलाइडल सॉल्यूशन को। तो देखो Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1, इस पे -1 चार्ज है। यहां देखो ये इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहां पर इस एनायन के ऊपर कितना चार्ज है, -2। तो -2 चार्ज है, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक एनायन इन दो पॉजिटिव चार्जेस को अकेला न्यूट्रलाइज कर सकता है, जबकि यहां पर जो Cl था उसके ऊपर सिर्फ एक -1 चार्ज था, ये सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता था। अगले में देखो, इसके अंदर जब ये टूटेगा इलेक्ट्रोलाइट तो कैसे टूटेगा, 3Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, इस पे कितना चार्ज है, -3। मतलब फॉस्फेट का एक एनायन तीन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्योंकि एक एनायन तीन तीन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इस वजह से ज्यादा आयंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस कोलाइडर पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम सोडियम फॉस्फेट का यूज करते हैं तब। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा तुम्हारे एनायन के ऊपर ऐसे केस में, उतना ही कोएगुलेशन वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम होता जाएगा। तो इस चीज से हमें क्या पता चला, इस चीज से हमें ये पता चला कि जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही कम कोएगुलेशन वैल्यू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू किसको बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 लीटर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये कंक्लूजन निकला इस एक्सपेरिमेंट से जो हार्डी एंड स्क्लूज ने किया। अब इन्होंने जो था कोलाइडल सॉल्यूशन चेंज कर दिया, अब एक ऐसा सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज था। तो भाई नेगेटिव चार्ज अगर तुम्हारा कोलाइडल सॉल्यूशन है तो अब हमें पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अब हम चेंज कर देते हैं। अब हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें कैटायन के ऊपर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे देखो यहां पर इस एक्टिविटी के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया, यहां पर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, यहां पर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं।
तो अब हमारा कोलाइडल पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पे है, सोडियम पे। कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक। तो एक पॉजिटिव चार्ज तो एक नेगेटिव चार्ज को ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यहां पर क्योंकि हमारे कैटायन के ऊपर चार्ज प्लस वन है, इस वजह से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड जो है वो सपोज आ गया 10 ग्राम। अब हम इस पे चलते हैं, तो देखो ये जब डिसोसिएट होता है तो इस पे कितना चार्ज आता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज आया, ये हमारा कोएगुलेटिंग आयन है। तो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 2 नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो लगेगा वो इसके मुकाबले क्या रहेगा, कम रहेगा। इस केस में देखो एल्यूमिनियम जो है उस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में और भी ज्यादा चार्ज हो गया, तो भाई और ज्यादा नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे। ज्यादा न्यूट्रलाइज होंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट और भी कम रहेगी। तो यहां भी हम जो है वो सेम कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा चार्ज इंक्रीज होगा इस फ्लॉक्युलेटिंग आयन के ऊपर, उतना ही कोएगुलेशन वैल्यू कम होती जाएगी। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू कोएगुलेट दिस सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे कोएगुलेशन वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसके बेसिस पे अब हम ये हार्डी स्क्लूज रूल या हार्डी स्क्लूज लॉ जो है इसको यहां पर लिखते हैं। अब तो इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके इन्होंने एक रूल दिया, इस रूल को हम बोलते हैं हार्डी एंड स्क्लूज रूल। आइए समझते हैं क्या होता है हार्डी एंड स्क्लूज रूल। इस रूल में बोला गया ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, लेसर इज द कोएगुलेशन वैल्यू। जितना ज्यादा वैलेंसी होगी, वैलेंसी का मतलब चार्ज होगा किस पे, कोएगुलेटिंग आयन पे, उतना ही कम इलेक्ट्रोलाइट हमें डालना पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोएगुलेट करने के लिए या प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो मतलब वैलेंसी ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू, जिसको हमने चार्ज बोला था अभी। ये बात बोलता है हार्डी एंड स्क्लूज रूल। और जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यहां पर हम एक और चीज लिख सकते हैं, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, मोर इज इट्स पावर ऑफ कोएगुलेशन। उतना ही ज्यादा पावर होती है उस आयन के अंदर कोएगुलेशन करवाने की जितनी ज्यादा उसकी वैलेंसी होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वैलेंसी ऑफ फ्लॉक्युलेटिंग आयन या कोएगुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ कोएगुलेशन। अब इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपकी बुक्स के अंदर जो है वो एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के अंदर हमें कोएगुलेशन वैल्यू बता रखी है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो मैं इस टेबल का एक छोटा सा पार्ट यहां पर बना देता हूं। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे, इनके कोएगुलेटिंग आयन जो है वो दिखा रखे हैं और यहां पर दे रखी है कोएगुलेशन वैल्यू। NaCl, KCl, MgCl2 एंड AlCl3। तो अगर आपकी सॉल्यूशन जो है फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए ये टेबल बनाई हुई है, तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा जो कोलाइडल पार्टिकल है उसकी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और उसके लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए गए हैं।
तो नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन न्यूट्रलाइज करेगा, तो कोएगुलेटिंग आयन कौन सा हो गया, Na पॉजिटिव। यहाँ पर कौन हो गया K प्लस, यहाँ क्या हो गया Mg2 प्लस, और यहाँ क्या हो गया Al3 प्लस। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को। इनकी कोएगुलेशन वैल्यू दे रखी है, सोडियम की होती है 52, पोटेशियम की होती है 49.5, मैग्नीशियम की वैल्यू है 0.72 एंड एल्यूमिनियम इज 0.093। तो क्या मतलब हुआ इसका, आपके पास एक लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaCl कितना लगेगा, 52 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स का मतलब 52 × 10⁻³ मोल्स। मोल से आप वेट निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 58.5। तो कितना NaCl लगेगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करने में, अगर एक लीटर सॉल्यूशन ले रखी है तो 58.5 × 52 × 10⁻³ ग्राम, ये आ जाएगा आंसर। तो आप वेट निकाल सकते हैं इस डाटा से, ये आपको मिलीमोल्स दे रखे हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये मतलब हो गया बच्चों हार्डीज क्लूज रूल का, और हार्डीज क्लूज रूल जो है वो हम डेली लाइफ के अंदर भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों, पनीर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इसी रूल को फॉलो करके जो है वो किया जाता है। पनीर जब हम बनाते हैं तो दूध मिल्क जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करके उसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो पनीर इज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ मिल्क, और जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालने वाले हो ये प्रोसेस करवाने के लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा तुम्हारे, ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होता है मिल्क जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उस पे जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही जल्दी मिल्क प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो हम हार्डीज क्लूज रूल का यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, साथ ही साथ इसका सेपोनिफिकेशन प्रोसेस में भी यूज किया जाता है। साबुन जब हम बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि साबुन जो है वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, उसमें से सोप के मॉलिक्यूल्स को हमें बाहर निकालना होता है, तो हम उसको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं प्रेसिपिटेट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू द सोप सॉल्यूशन। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट तुम ऐड करोगे उस पे जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही जल्दी जो है वो सोप प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका एप्लीकेशन हार्डी-स्क्लूज रूल का। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। ये भी प्रेसिपिटेशन जो है उसी से रिलेटेड है। गोल्ड नंबर जो है वो क्या होता है इसको हम समझेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं हमारे पास कोई लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होती है, तो सपोज मेरे पास ये कोलॉइड है, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूट है, इसको मैं किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना चाहता हूं लेकिन ये अपने आप डिसॉल्व नहीं होता। इसको अगर डिसॉल्व करना है तो आपको कोई स्पेशल मेथड जो है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा था लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये वो सॉल्यूशन होती है जो सिर्फ डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करने से नहीं बनती, बल्कि इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर गोल्ड की सॉल्यूशन का, हमें गोल्ड की सॉल्यूशन बनानी है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन गोल्ड तो एक मेटल है और मेटल्स जो है वो पानी में अपने आप तो डिसॉल्व होंगे नहीं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन अपने आप नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर, यहां पर हम यूज करेंगे किसी स्पेशल मेथड का, तो जैसे कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है वो हम यूज कर लेते हैं इस गोल्ड की कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। अब देखो बच्चों, ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपने बना तो ली इस मेथड का यूज करके, लेकिन ये कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होती हैं लायोफोबिक, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है।
तो इसका यूज करके जो सॉल्यूशन बनेगी ये कहलाएगी आपकी लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन। तो ये बात नोट कर लेना, दीज लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशंस दे आर नॉट वेरी स्टेबल एंड दे इजीली प्रेसिपिटेट बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट। इन लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन में आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी डाल दोगे तो बड़े इजीली जो है ये सेटल हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस गोल्ड की कोलाइडर सॉल्यूशन को यूज करना है कहीं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। ठीक है, हम गोल्ड का यूज करने वाले हैं कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए, तो ये सॉल्यूशन जो है इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, तो हमें इसके प्रेसिपिटेशन को रोकना है। तो इसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहां पर हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ये जो गोल्ड की हमने कोलाइडर सॉल्यूशन बना ली, अगर इस कोलाइडर सॉल्यूशन में गलती से थोड़ा सा भी कहीं से भी इंप्योरिटी की फॉर्म में ही अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस गोल्ड की सॉल्यूशन को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस गोल्ड की सॉल्यूशन को मुझे प्रेसिपिटेट नहीं होने देना है, तो इसको प्रेसिपिटेट नहीं होने देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सपोज ये गोल्ड का कोलाइडर पार्टिकल है, इसको हमें बचाना है, इसको प्रेसिपिटेट नहीं होने देना है, तो हम इसके अंदर एक लायोफिलिक कोलॉइड ऐड कर देते हैं, जैसे कि स्टार्च, गम, जिलेटिन, इनमें से कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दो इस लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर, लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन के अंदर। तो ध्यान रखना हमने सॉल्यूशन नहीं डाली है, हमने सिर्फ कोलाइड डाला है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लायोफिलिक सॉल्यूशन बनाता है उसको डाला है। तो ये क्या करता है, गोल्ड का पार्टिकल इस लायोफिलिक कोलाइडर सॉल्यूशन को अपनी सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये लायोफिलिक कोलाइड जो है ये क्या करता है, इसके ऊपर एक बैरियर बना देता है, एक लेयर बना देता है, और ये कोलाइड जो होते हैं इनकी कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होती है, स्टेबल। ये जल्दी से प्रेसिपिटेट नहीं होते, लायोफिलिक कोलाइड्स डू नॉट प्रेसिपिटेट इजीली। क्यों, क्योंकि इनका और डिस्पर्शन मीडियम का बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं था। यहां पर जो आप डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो ले रखा है आपने, इनमें कोई अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, इसी वजह से तो ये अपने आप मिक्स नहीं होते। तो यहां पर इंटरेक्शन है वीक, लेकिन लायोफिलिक कोलाइड जो होता है इसको अगर डिस्पर्स्ड फेस की तरह लिया जाए और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मिक्स किया जाए तो इसका इस डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर तो क्या होगा, इस वीक इंटरेक्शन की वजह से थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप डाल देते हो इस सॉल्यूशन के अंदर तो ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, लेकिन इस केस में आपको इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा डालना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को जो है वो बाइंड करके रखते हैं, इजीली जो है वो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनने देते। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी सॉल्यूशन जो कि इजीली प्रेसिपिटेट हो सकती थी क्योंकि इंटरेक्शन वीक था, इसके अंदर हमने आउटर सर्फेस पे क्या डाल दिया, एक लायोफिलिक कोलाइड डाल दिया। ये लायोफिलिक कोलाइड इस डिस्पर्शन मीडियम के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करेगा, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट तुम डालते हो पहले वो क्या करेगा, वो इस लायोफिलिक कोलाइड के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट तुम डालते हो तो उसको काउंटर कर लेता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है और इस गोल्ड के पार्टिकल को प्रेसिपिटेट नहीं बनने देता। लायोफिलिक कोलाइड ने एक तरीके से सेक्रीफाइस करने का काम किया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया इलेक्ट्रोलाइट को, अगर इलेक्ट्रोलाइट कम अमाउंट में डाला जाए तो। तो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सपोज थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यहां पर एज एन इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो वो इसकी कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या करा सकता है, प्रेसिपिटेशन करा सकता है। लेकिन जब हम ये डाल देते हैं तो उसके बाद में आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये प्रेसिपिटेशन नहीं करवा पाएगा और ये सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, लंबे टाइम के लिए स्टेबल हो जाएगी। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रोलाइट, ये लायोफिलिक कोलाइड जो है ये कितना लिया जाए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कहलाता है गोल्ड नंबर। द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड
विच मस्ट बी एडेड टू दिस लायोफोबिक कोलाइडर सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट दिस कोलाइड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो डेफिनेशन देखो यहां पर क्या लिखते हैं हम, डेफिनेशन लिखी जाएगी अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम दैट मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कौन सी कोलाइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके अंदर हम ये इलेक्ट्रोलाइट डालने वाले हैं 10% NaCl सॉल्यूशन। कितना डालने वाले हैं, तो मेजरिंग सिलेंडर से आपको 1 ml लेना है, 1 ml 1 ml कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डालना है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करेगा, लेकिन इसके अंदर अगर हम लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर दें तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाएगा। तो लायोफिलिक कोलाइड कितना ऐड करें उसकी वैल्यू मिलीग्राम में, तो जितना भी मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा हमें लायोफिलिक कोलाइड वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। दिस अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड एडेड इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो ये हो गई बच्चों गोल्ड नंबर की डेफिनेशन। तो ये प्रोसेस भी रिलेटेड है प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से, और ये चैप्टर यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप इसकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।